आज मैं लेकर आई हूँ एक हेल्दी एंड यम्मी डिजर्ट रेसिपी जो कि है एप्पल का हलवा। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और टेस्टी और यम्मी तो इतना है कि बस उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये हलवा जितना ज़्यादा टेस्टी है उतना ही ये जल्दी बनता है। इस हलवे को हम व्रत में भी खा सकते हैं। व्रत में ये हलवा बॉडी को एनर्जी देता है। हेलो एवरीवन, होम किचन में आपका खूब खूब स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम एप्पल का हलवा बनाने के लिए ये मैंने 3 एप्पल लिए हैं। एप्पल जो हमने लेने हैं वो बढ़िया क्वालिटी के लेने हैं। यदि वजन में देखें तो ये एप्पल 400 ग्राम एप्पल हैं। 100 ग्राम हम लेंगे चीनी, आधा कप भुनी हुई मूंगफली लेंगे, गार्निश के लिए लेंगे पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 15 से 20 काजू और 1 छोटा चम्मच लेंगे इलायची पाउडर। सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें भुनी हुई मूंगफली डालकर इसे हम पीस लेंगे। इसका हमने पूरा पाउडर नहीं बनाना, इसे हमने थोड़ा सा दरदरा रखना है। और जो काजू है, काजू को भी हम इसी प्रकार से ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। काजू को भी हमने हल्का सा दरदरा रखना है। पीसने के बाद ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। एप्पल के पहले से ही कटिंग करके ना रखें। जब हलवा बनाना हो तभी इसकी कटिंग करें, नहीं तो ये काला पड़ सकता है। पील करने के बाद इसे हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। इसके लिए हम बारीक वाला ग्रेटर का यूज़ करेंगे। और इस प्रकार से सारे एप्पल ग्रेट हो चुके हैं। अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और ग्रेट किया हुआ एप्पल इसमें डालेंगे। सारे एप्पल को घी में डालने के बाद इसे हम भूनेंगे। बीच बीच में स्पैचुला की सहायता से हम इसे मैश भी करते जाएंगे। भूनते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है क्योंकि एप्पल में अपना एक मॉइस्चर होता है, इसे सूखने में थोड़ा सा समय लगता है। 4 से 5 मिनट तक इसे हमने भूनना है। 1 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे केसर के धागे। केसर के धागे से हम इस हलवे में कलर देंगे। इसमें हम किसी भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम सेब को भूनेंगे वैसे वैसे केसर के धागे अपना कलर छोड़ते जाएंगे। एप्पल से जैम कैसे बनाया जाता है, यदि आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो उसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस एप्पल को हमने बढ़िया सा भूनना है। इसे हमने इतना भूनना है कि इसमें जो हमने घी डाला है वो सेपरेट होने लगे। एप्पल से घी सेपरेट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी और चीनी के मेल्ट होने तक इसे हम फिर से कंटिन्यू चलाएंगे। चीनी के मेल्ट होने के बाद इस हलवे का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा और ये कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये एप्पल का हलवा है। देखने से ये बिल्कुल दाल का हलवा लगेगा। चीनी के मेल्ट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे भुनी और पीसी हुई मूंगफली। इसे भी मिक्स करेंगे। पीनट को मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ काजू और डेसिकेटेड कोकोनट। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इनको बढ़िया सा हमने मिक्स करना है। 1 मिनट तक हम इन्हें भूनते जाएंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इसे भी मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे और पकाएंगे और जब हलवा पूरी तरह से पैन छोड़ने लगे तो समझो हलवा हमारा रेडी है। तो
रेडी है हमारा हेल्दी टेस्टी यम्मी एप्पल हलवा। इस समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे। गरम गरम हलवे को हम सर्व करते हैं। इस यम्मी एंड हेल्दी हलवे की रेसिपी को आप भी एक बार जरूर बनाकर देखें और जब भी आप इसे बनाएं तो मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। नवरात्रि पर भी आप इस हलवे को बनाकर खा सकते हैं। ये हलवा बॉडी को एक एनर्जी देगा। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।